kids. Welcome to my channel, C for Chiku. हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यानी कि विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को अपने कुछ दैनिक कार्यों को करने से पहले वे बाद में हाथ धोने के प्रति जागरूक करना। वैसे तो हमें बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है कि किन कामों को करते हुए हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने की आदत हमें हमारे घर पर भी डाली जाती है। इसके बावजूद कई बार लोग जल्दबाजी व आलस के कारण हाथ धोने में लापरवाही करते हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को मनाने का कारण यही है कि लोगों को हाथ न धोने से होने वाले नुकसान व बीमारियों के प्रति सचेत करना। हमारे आसपास ढेरों कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हम दिन भर कई चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें छूते हैं, जिस वजह से हमारे हाथों में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। यदि हाथों को बिना धोए हम भोजन करें व आँखों में लगाए तो इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आपको किन कामों के दौरान हाथों को धोना चाहिए। भोजन करने से पहले व बाद में हाथ जरूर धोएं। यदि आप खाना बनाने जा रहे हो या किसी को सर्व कर रहे हो तो भी हाथ को जरूर धोएं। किसी की या खुद के घाव की ड्रेसिंग करने से पहले व बाद में हाथ को जरूर धोएं। जानवरों को छूने के बाद हाथ धोएं। नाक और मुंह पोंछने के बाद हाथ धोएं। डस्टबिन को छूने के बाद हाथ धोएं। टॉयलेट जाने के बाद व वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद हाथ जरूर धोएं। दवा खाने के पहले हाथ धोएं। छोटे बच्चों को गोद में लेने से पहले हाथ धोएं। छींकने के बाद हाथ धोएं। इन सभी स्थिति में आपको हाथ जरूर धोना चाहिए। साथ ही आपको सही तरीके से हाथ पोंछना चाहिए। आइए जानते हैं हाथ धोने का सही तरीका क्या है। सैनिटाइजर या साबुन हाथों में लेकर कम से कम 40 सेकंड तक हाथ को अच्छी तरह से रगड़ कर धोएं। ऐसा करने पर ही बैक्टीरिया और गंदगी हाथों से निकल पाती हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सी फॉर चिंकू।